चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। टू पुली अरेंजमेंट्स शोन इन द फिगर आर आइडेंटिकल, द मास ऑफ द रोप इज निग्लेक्जिबल। इन ए द मास एम इज लिफ्टेड अप बाय अटैचिंग अ मास 2m टू द अदर एंड ऑफ द रोप। इन बी m इज लिफ्टेड अप बाय पुलिंग द अदर एंड ऑफ द रोप विद अ कांस्टेंट डाउनवर्ड फोर्स 2mg। द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द टू केसेस विल बी। तो इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एफ नेट इज इक्वल टू एम टी इंटू ए। ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है? जब कनेक्टेड बॉडीज को पूरे को, कनेक्टेड बॉडीज के पूरे सिस्टम को एक बॉडी कंसिडर की जाती है और उसमें जो नेट फोर्स लग रहा होता है, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है, उसे एफ नेट बोला जाता है। और जो एम टी होता है वो टोटल मास होता है पूरे सिस्टम का। तो अगर पहले केस में mg नीचे लग रहा है और इसमें 2mg नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अगर मैं इसको सीधा कर दूं, इन दोनों बॉडीज को अगर सीधा कर दूं, ठीक है, ऐसे करके सीधा कर दूं, तो क्या होगा, mg यानी हॉरिजॉन्टल कर दूं तो mg लेफ्ट साइड में लगेगा और 2mg राइट साइड में लगेगा, यानी इस पूरे सिस्टम को एक मास बना दूं। m और 2m को 3m कर दिया मैंने, तो mg इधर लग रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 2mg लग रहा है। तो अब mt की वैल्यू क्या हो गई, ये mt की वैल्यू हो गई इस केस में 3m के बराबर, और f नेट की वैल्यू क्या हुई, f नेट की वैल्यू हुई इधर 2mg इधर mg, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा mg, यानी 2mg माइनस mg, ये आ जाएगा f नेट की वैल्यू mg के इक्वल आ गई। अब ये वैल्यू हम इस f नेट वाले फॉर्मूले में रखेंगे केस 1 में, तो हम यहां रखते हैं एफ नेट इज इक्वल टू एम टी इंटू ए, एफ नेट की जगह एम जी पुट किया, टोटल मास की जगह मैंने क्या बोला था, पूरे सिस्टम का मास 3m यूज करेंगे इंटू ए, ये पहले केस का एक्सेलरेशन है इसलिए ए वन क्या दे रहे हैं, ठीक है। तो ए वन की वैल्यू क्या आएगी, m से m कटा, g बाई थ्री आएगी, ए वन की वैल्यू g बाई थ्री। अब इसमें बात करते हैं, इसमें सिर्फ एक एम जी फोर्स लग रहा है क्योंकि थ्रेड का मास जीरो है और ये एक्सटर्नल फोर्स है एफ इज इक्वल टू। तो अगर आप ध्यान दो तो इसमें mt की वैल्यू कितनी है इस केस में, इसमें तो पहले वाले केस में mt की वैल्यू 3m थी, लेकिन इस केस में सिर्फ एक मास है तो mt की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, 1m होगी। तो इसमें अगर f net आप यूज करोगे, f net इज इक्वल टू mt इंटू ए, तो 2mg नहीं इधर लग रहा है और 1mg इधर लग रहा है, तो एक बॉडी है तो इसमें लेफ्ट साइड में mg लग रहा है, राइट साइड में 2mg लग रहा है, तो f नेट की वैल्यू तो mg के इक्वल होगी, फिर से वही mg के इक्वल होगी। अब यहां mg यहां पुट कर दिया, टोटल मास कितना है इस सिस्टम का, सिर्फ एक सिंगल m इनटू a2 इसको कह दिया क्योंकि सेकंड बॉडी की बात कर रहे हैं, सेकंड सिस्टम की, तो a2 इज इक्वल टू g के इक्वल हो जाएगा। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आ गई, g by 3 अपॉन g यानी 1 by 3 आ गई, 1 by 3 कौन सा ऑप्शन है, c वाला ऑप्शन ज्यादा एप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।